Vice President, Hyderabad Film Club. He's a known person to most of you through his impeccable talks that are there across all social media and his presence in all the TV debates. He's literally the voice of Kashmiri Pandits. He represents us. And that's not only just the Kashmiri Pandits, but in general, Indian viewpoint on Kashmir. I think he has talked about all kinds of dimensions of Kashmir and educated the world about it. He's an eminent alumnus of Delhi University and JNU. Sushilji is one of our leading activists, and he's one of the founders of Roots in Kashmir. Roots in Kashmir is a frontal youth organization of Kashmiri Pandits, and it's been under his he's been like a friend, guide, mentor, leader of many young activists that have sort of, just as he's been teaching the entire world about the problems that are plaguing Kashmir, but also just of Kashmir, and on professional front, he runs a communication management company. He also teaches strategic media planning at Indian Institute of Mass Communication as an adjunct faculty. I think we are all looking forward to Sushilji now unraveling the thing that has been now created as a mystery of. सबसे बड़ा एक जो इस विषय में भ्रांति है, भ्रम फैलाया गया है, वो ये है कि अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय की एक शर्त थी. इट वॉज अ कंडीशन प्रीरिक्विजिट. इट वॉज वन ऑफ द टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिस विच द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सीडेड टू यूनियन ऑफ इंडिया. ये अपने आप में एकदम गलत है, झूठ है. कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 को हुआ. दैट एक्सेशन वॉज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह, काउंटर साइंड बाय लॉर्ड माउंटबैटन. इसमें अब्दुल्ला को दूर दूर तक कोई रोल नहीं था. टर्म लगाना, कंडीशन लगाना तो बहुत दूर की बात है. He had no locus standi. He didn't hold any office. उनकी जरूरत भी नहीं थी किसी काम में. उनकी जरूरत अननेसेसरली पंडित नेहरू ने पैदा कर दी थी. उन्होंने ये मजबूर कर दिया महाराजा को कि वो विलय के दस्तावेज लेकर के नेहरू जी से मिलने, शेख आएंगे तो शेख तो वो दस्तावेज पढ़े जाएंगे, वरना नहीं पढ़े जाएंगे. इसलिए अगर कोई रोल शेख अब्दुल्ला का था तो इट वॉज दैट ऑफ अ कुरियर बॉय. ही ब्रॉट दोज पेपर्स फ्रॉम महाराजा टू लॉर्ड माउंटबैटन, नथिंग मोर. अब 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर होते हैं और नवंबर 1949, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान बन रहा था, संविधान सभा का आखिरी महीना था नवंबर 1949, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हमको कुछ रियायतें दीजिए. क्यों दीजिए? हम एक हिंदू बहुल देश में मुस्लिम बहुल राज्य आ रहे हैं. देखिए भैया, ये हिंदू बहुल देश होगा इंसिडेंटली, लेकिन हम जो देश बना रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान सिख विख नहीं देखते. हम सेक्युलर देश बना रहे हैं. अगर हिंदू देश बना रहे होते तो फिर इस देश के सब मुसलमानों को कहते आपको पाकिस्तान मिल गया, जाइए. यहां क्यों है? हमने उन्हें नहीं भेजा. हमने इसलिए नहीं भेजा, हम एक सेक्युलर देश बना रहे हैं. आप आज भी हिंदू मुसलमान करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं कहा गया उनको. नेहरू ने कहा ठीक है, आप मुस्लिम बहुल है सर, आंखों पर बताइए क्या करना है. उनका 370 के प्रोविजंस उन्होंने गिनाए, तो जाइए साहब, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे कहिए. वो गए,
उनसे कहा कि ऐसा एक कानून चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डांट के भगा दिया, कहा कि उन्होंने कहा ये देश आपको खिलाए पिलाए, आपकी सड़कें बनाए, आपके पुल बनाए, आपकी सीमाओं की रक्षा करे, और इस देश का कश्मीर राज्य में कोई अधिकार ना हो। कश्मीर में रहने वाले नागरिक पूरे देश में जो चीज चाहे करें, लेकिन शेष देश के नागरिक कश्मीर जाकर के कुछ ना कर पाए। आप ऐसा कानून चाहते हैं, मैं देश का कानून मंत्री हूं, मैं संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे हाथों से यह देशद्रोह नहीं होगा, साफ साफ समझा दिया। नेहरू जी अड़ गए थे बात पे, तो पटेल साहब को उनकी बात रखने के लिए संविधान सभा को समझाना पड़ा। गोपाल स्वामी अय्यंगर ने ड्राफ्ट बना दिया, उन्होंने उसमें कुछ शब्द जोड़े ताकि एक जिसे कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन मिले, थोड़ा उसमें कैवियट्स हों। वो था टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट, कि ये धारा अस्थाई है और चली जाने वाली है, बीत जाएगी। और संविधान सभा को किसी तरह मना लिया कि नेहरू जी की बात है, कश्मीर का युद्ध अभी थमा ही है, 40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, यूएन में झगड़ा चल रहा है, किसी तरह की पट्टी पढ़ाई नेहरू जी की जिद रखने के लिए, उसको संविधान में डाला गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा राष्ट्रवादी आपको नहीं मिलेगा, उस समय देख सकते थे वो कि इसके क्या परिणाम होंगे। उन्होंने उस सत्र का बहिष्कार किया जिस सत्र में धारा 370 को संविधान में डाला गया। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उस व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने पूरी संविधान सभा में साहस दिखाया। लेकिन एक बात जानने वाली यह है कि उस संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला और उनके तीन साथी कश्मीर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, तो जिस धारा पर, जिस अनुच्छेद में ये लिखा गया कि ये टेम्पररी और ट्रांजिएंट है, जो यूनैनिमसली एक्सेप्ट की गई, उस यूनैनिमिटी में उनका मत भी शामिल था, विच मीन्स ही एक्सेप्टेड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अनदर मैटर कि 70 साल लग गए, वो टेम्पररी धारा टेम्पररी रही। तो 370 किस लिए आई? 370 इसलिए आई क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है। 370 क्या करती है? 370 कहती है कि हमारी पार्लियामेंट का जूरिसडिक्शन कश्मीर में विद कैवियट्स है, हम कानून नहीं बना सकते सिवाय तीन विषयों के। संसद, हमारी संसद, अवर सुप्रीम सॉवरेन बॉडी विच हैज ज्यूरिसडिक्शन ऑन एवरी स्क्वायर इंच ऑफ लैंड कॉल्ड इंडिया, डजंट एंजॉय ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट लिबरल एंड फ्रीडम गिविंग डॉक्यूमेंट टू अ फॉल्ट समटाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाई डू आई से टू अ फॉल्ट? आर्टिकल 25 से 30 तक ऐसे प्रोविजंस हैं जो मेजॉरिटी को प्रिविलेजेस नहीं देते, वो जो माइनॉरिटीज को देते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर पे लागू नहीं होता, ये कहती है धारा 370। तो इस अनुच्छेद के चलते कश्मीर को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर रिपब्लिक बिल्डिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया भाई? पाकिस्तान भी इसी बात पे बनाया ना, मुस्लिम लीग सेड वी आर मुस्लिम्स, यू आर हिंदूज, वी कांट स्टे टुगेदर, वी नीड सेपरेट सेट ऑफ प्रोविजंस, वी नीड अ सेपरेट नेशन, वी कैनॉट को एग्जिस्ट विद यू अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन इन योर डेमोक्रेसी। And you said we are secular, we reject two nation theory, we are equal citizens, we will remain equal, come what may. And then you go ahead and create a Pakistan on the territory of India, a Muslim state on the territory of secular India, to appease Sheikh Abdullah and to give concessions to a Muslim majority population.
This was the purpose of Article 370. This was the reason. Probably Pandit Nehru, who was resoundingly rejected by the Muslim electorate of India when we had to concede partition, he could not win a single Muslim electorate constituency, even in Madras presidency, which was not supposed to be the hotbed of Muslim League politics. 28 Muslim electorate constituencies, the Madras presidency, mein, Congress won zero. With all his pretensions to secularism. Aise mein, he still wanted to prove a point to large number of crores of Muslims who had stayed back in India. He perhaps wanted to tell them, I could give you lot more than what Jinnah could never imagine. So that was the reason why 370 came in, and through 370 came 35A, which created discrimination, which created two classes of citizens in this country, which allowed the state of Jammu and Kashmir to identify, it was a constitutional order, to identify exceptions and modifications with which the Constitution of India shall apply to the state of Jammu and Kashmir. And such modifications and exceptions, such decisions and such policies of the state of Jammu and Kashmir shall not be subject to any challenge under any provision of Indian Constitution in any court of law. This was the immunity offered. Can you imagine? Our Supreme Court had no jurisdiction, our Election Commission had no jurisdiction, our Comptroller Auditor General had no jurisdiction. Forget you, other citizens in other parts of India, President of India could not buy an inch of land in the state of Jammu and Kashmir. Main to kabhi sochta hoon ki Jammu Kashmir ke log ko hum kya dosh dein ke wo kehte hain ki humko to azadi chahiye, hum Bharat ke nahi hain. Humne aisi vyavastha bana ke di hai ki koi bhi kahega ki ye aapka hissa hi nahi hai, aap khud kehte ho, aapka constitution kehta hai. Lekin ye humne kiya. ये हमने होने दिया. जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पासपोर्ट वीजा अभी लागू नहीं हुआ था, क्योंकि बंटवारे के बाद फैमिलीज तबाह हो गई थी, बिछड़ गई थी एक दूसरे से. लोग अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे, भाई बहनों को ढूंढ रहे थे, बेटों बच्चों को ढूंढ रहे थे. कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे. तो भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने कहा था कि यहाँ पासपोर्ट वीजा का रिजीम लागू करना अभी अमानवीय होगा, इनह्यूमन होगा. कीप आर बॉर्डर्स ओपन. बहुत से लोग पार्टीशन के बाद जाना चाहते थे, नहीं गए, बहुत हिंसा हो रही थी. कुछ लोग किसी तरह गए, सोचते हैं गलती हो गई, वापस आना चाहते हैं. तो ये अदला बदली आना जाना कुछ देर चलने दो, जब तक स्टेबलाइज नहीं होता है. लेकिन कश्मीर के लिए क्या व्यवस्था की हमने? आपको अलग कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, मान गए. आपको अलग झंडा देंगे, मान गए. मुझको तो महाराजा ने प्रधानमंत्री बनाया है, आपके सिस्टम में मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप डिमोट कर दोगे मुझको? जवाहरलाल नेहरू ये भी मान गए कि चलिए आपको प्रधानमंत्री कहेंगे, इस देश में दो प्रधानमंत्री होंगे. फिर उन्होंने कहा कि शेष भारत से कोई नागरिक कश्मीर आना चाहेगा, उसको परमिट लेना पड़ेगा. कैन यू इमेजिन? इंडिया पाकिस्तान में वीजा पासपोर्ट नहीं लागू होता है, लेकिन कश्मीर में घुसने के लिए देश भर के नागरिकों को, भारतीयों को परमिट लेना पड़ेगा. ये शेख ने मांगा बड़ी बात नहीं थी, ये नेहरू जी ने दे दिया. सबसे बड़ी बात ये थी, ये सिस्टम पैदा किया हमने और इसको देश से छुपाया गया. आपका सेक्युलरिज्म कितना खोखला था इससे पता चलता है कि आप एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस बनाए जा रहे हैं. आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज कर रहे हैं. आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए कंसेशंस तैयार कर रहे हैं, कंसेशंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कंसेशंस अपनी पार्लियामेंट में. ये विकृति थी, ये पराकाष्ठा थी परवर्जन की, जो 370 ने हमारे सिस्टम में लाई. इसलिए 370 का जाना सेलिब्रेट होना चाहिए. इसलिए नहीं कि आप और मैं वहां जमीन खरीद सकते हैं, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे अलग बात है,
क्योंकि आम तौर पर लोगों को किसी से भी पूछो भाई 370 का मतलब क्या है, हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, मतलब ये कोई रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं था। थैंक यू सो मच मोनिका जी। सुशील जी मेंशन्ड, I'm asking him to show some kindness to us. ये इनकी पराकाष्ठा हो रही है हमारे ऊपर। सुशील जी ने अभी कहा कि there should be celebration of the abrogation of Article 370. How about one loud? Let's make one loud noise for the success of democracy, for the success of this country, for the success of all Kashmiri, the land of Kashmir. Thank you. Thank you. I'm sure all of us are feeling the same emotion. It is extremely exhilarating, and we are at a new dawn. I think Kashmir is at a new dawn. I have lots of questions coming in, Sushil ji, and most of the questions are around 370. Commonly asking that, is everything now solved for Kashmir with abrogation of 370? No, unfortunately not. You see, we must understand, हम लोग इसको मनाएं, इसका जश्न मनाएं, लेकिन इसको विजय घोषित न करें। ये जो अभी तक एक संघर्ष चल रहा था वो केवल इतना मात्र था कि ये देश ये माने कि उस पर एक युद्ध थोप दिया गया है। ये देश ये मानने को ही तैयार नहीं था कि आर्टिकल 370 इज अ पाकिस्तान इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 वॉज द फाउंडेशन ऑन विच अ पाकिस्तान वॉज बिल्ट ऑन आर सॉइल इन आर टेरिटरी कॉल्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग यहां बहुत से डॉक्टर्स बैठे हैं, इस देश का डायग्नोसिस कुछ अजीब सा था, वो एक कैंसरस ट्यूमर को एक बिनाइन सी स्वेलिंग मान रहा था। वो कहता था ये भटके हुए नौजवान है, ये वो कह रहा था कि वहां अलगाववाद है, वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, उनको विकास चाहिए, तो पैकेज पे पैकेज जा रहे थे। वो ये सोचते थे कि वहां पढ़ाई लिखाई की शायद थोड़ी कमी है, जिन हाथों में पत्थर है उन हाथों में लैपटॉप देना है। अरे साहब, पत्थर का दिमाग नहीं होता है अपना, जिस हाथ में पत्थर है उसके दिमाग में जहर भरा है इसलिए उसके हाथ में पत्थर है। आप अगर दिमाग का जहर निकालोगे नहीं, हाथ में लैपटॉप दे दोगे, वो ऊपर से नेट से आईईडी बनाने की विधि डाउनलोड करेगा, एक पत्थर से सर फोड़ सकता था, आईईडी से 50-50 लोगों को उड़ाएगा। लेकिन हम लोग इस मुगालते में थे, इस भ्रम को पाले बैठे थे कि अगर उनको बहुत अच्छी पढ़ाई दे देंगे, उनके लिए बहुत नौकरियां लगा देंगे, वहां बहुत निवेश करेंगे, बहुत पैसा खर्चेंगे, तो ये लोग जो भारत से घृणा करते हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो इतने आभारी होंगे कि वो फिर हाथ में तिरंगा उठाएंगे और भारत माता की जय करने लगेंगे। ये प्रॉब्लम थी, ऐसा ऐसा बहुत से लोग मानते थे, मैं सच कह रहा हूं आज भी मानते हैं।
तो ये देश मानने को तैयार नहीं था कि ये कैंसर बढ़ रहा है, इसका ट्यूमर 370 है। हर वो काम करने को चाहते थे हम लोग जिसमें 370 ना हटाना पड़े और कुछ ना ऐसा करना पड़े और लोग खुश हो जाएं। ये एक प्रॉब्लम है। 370 को हटाना केवल इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि हमको बीमारी क्या है समझ में आ गई है, इलाज अब शुरू होगा। लेकिन ये बीमारी 70 साल इतनी पुरानी चली है, इसमें इतना मौका दिया है इस इंफेक्शन को अपनी स्ट्रैंगल होल्ड में, अपने चंगुल में, अपनी गिरफ्त में ले लेने का शरीर के अलग अलग हिस्से, कि जम्मू कश्मीर राज्य की शिक्षा व्यवस्था फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम, वहां आपको मदरसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जिन टीचर्स को स्कूल में भर्ती किया जाता है वो जिहादी तैयार करते हैं। बुरहान वानी'स फादर वॉज मुजफ्फर हुसैन वानी, ही इज रिटायर्ड एज ए हेडमास्टर इन अ स्कूल। जब बुरहान वानी का भी एनकाउंटर नहीं हुआ था, और क्योंकि आर्मी को साउथ कश्मीर से हटा लिया गया था, महबूबा मुफ्ती कहती थी आर्मी की यहां क्या जरूरत है, इनको बॉर्डर पे भेजो या बैरिक्स में भेजो, ये यहां क्या कर रहे हैं, ये लोगों की आईडी चेक करते हैं, ड्रॉप गेट्स बना के व्हीकल चेक करते हैं, रेगुलेट करते हैं मूवमेंट, लोगों को इज्जत हतक का मामला हो जाता है कि हमको हमारे लैंड पे क्यों टोका जाता है, क्यों तलाशी की जाती है, क्यों पूछा जाता है सवाल कि आप कौन है, आपकी आईडी कहां है। लोगों के लिए ह्यूमिलिएशन है, आर्मी को भगाइए यहां से, तो आर्मी को भगाया। बुरहान वानी का ग्रुप वीडियो बनाने लगा अपने, घूम घूम के ऑर्चर्ड्स में, पहाड़ों पे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के सोशल मीडिया में खुद को प्रोजेक्ट करने लगा। ये तो बिल्कुल टीन आइकॉन बन गया बुरहान वानी। अभी उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था, वो टीन आइकॉन था, उसकी चर्चा ऐसे होने लगी श्वार्ज़नेगर की तरह कश्मीर के, कि यहां से जर्नलिस्ट ढूंढ के जाने लगे कि साहब बुरहान वानी के घर चलते हैं, उसके पिताजी से मिलते हैं। तो शम्मी बवेजा, हरिंदर बवेजा हिंदुस्तान टाइम्स की कॉरेस्पॉन्डेंट है, इंटरव्यू लेने बुरहान वानी के पिताजी का पहुंच गई कि आपका बेटा तो कल्ट फिगर बन गया है कश्मीर का, कभी घर आया क्या उसके बाद जब वो गया जाने के बाद? तो उन्होंने कहा हाँ, पिछली ईद पे आया था और अपनी टोली पलटन के साथ आया था, सब हथियार हथियार लेके। तो बड़ी खुश हुई हरिंदर बवेजा, फिर बड़ी सॉफ्ट सी आवाज में आंखें थोड़ी नम करते हुए पूछा, आपने उसे रोका नहीं? तो मुजफ्फर हुसैन वानी कहते हैं उसको अल्लाह ने यह तौफीक दी है कि अपना रास्ता चुन ले, उसको अपना रास्ता मिल गया है, मैं क्यों रोकूं उसको। ये बाप कह रहा था उस बेटे के बारे में जिसने सरपंचों को मारा था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। ऐसा हेडमास्टर अपने बेटे के बारे में यह कह रहा है, उतने उसने अपने पूरे जीवन में कितनी पीढ़ियों को पढ़ा के निकाल दिया होगा और उसने क्या पढ़ाया होगा आप सोच सकते हैं। और ऐसा एक मुजफ्फर हुसैन वानी नहीं था। कश्मीर के स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में जमात इस्लामी के अहले हदीस के लोग ठूस ठूस के भर दिए गए थे। उनको आपके और मेरे पैसे से तनख्वाह मिलती थी, उनके घर देखिए आप, तीन तीन मंजिला मकान है, ऐसी विलाज आपको यूरोप में नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस तरह एजुकेशन सिस्टम जकड़ा गया। आप वहां के मीडिया में देखिए, आप वहां की एकेडेमिया में, यूनिवर्सिटीज में, फैकल्टीज में देखिए, आप वहां के बिजनेसेस में, इनके जो मर्केंटाइल एसोसिएशंस हैं, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उसमें देखिए, बार एसोसिएशन में देखिए। मियां अल्ताफ कयूम है वहां की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट को उसको डीरेकग्नाइज करना पड़ा, बार काउंसिल के सारे फंक्शंस अब वहां की हाई कोर्ट अदा करती है। इस मियां कयूम ने हाई कोर्ट में जज के सामने बोला, आई केयर टू हूट्स फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन। जज ने कहा माइंड योर लैंग्वेज, यू हैव योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू द ओथ ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू आर रिप्यूडिएटिंग इन फ्रंट ऑफ मी।
तो मियां कयूम का जवाब जानते हैं क्या था? ने कहा, योर लॉर्डशिप, यू मे डू योर वर्स्ट दैट यू कैन. और जज साहब चुप करके बैठ गए. ये एक्सटेंट है हुरियताइजेशन का वहां की सिविल सोसाइटी का. क्यों? क्योंकि इस देश ने उनको ऐसा करने दिया. हमने गलतियां की सिर्फ 370 डाल के ही नहीं, हम हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया हुरियत पर खर्चते थे, दामादों की तरह रखते थे उनको. आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेंगे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है. हुरियत के लोगों ने इंटरव्यूज देके कहा है कि उन्होंने कितने कितने लोग कहां कहां मारे हैं, डींग मारते हुए कहा है. उनको भारत सरकार न सिर्फ पासपोर्ट देती है, विदेशी एम्बेसियां जो उन्हें वीजा देने से मना करती हैं, भारत सरकार जाके पैरवी करती है, दीजिए इनको वीजा. वो दुनिया भर घूमते हैं, उनका इलाज कराने अमेरिका ले जाती है आपके और मेरे पैसे से ये सरकार. वो पाकिस्तान जाके शादियां करके आते हैं, कश्मीर में घर बसाते हैं. ये होने दिया हमने इन सेपरेटिस्ट के साथ. तो लोगों के पास भी एक एग्जाम्पल पड़ गया कि साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छा देश मिला है, इसको जितनी लात मारो ये उतना माल उगलता है. तो फिर इसकी जड़ें बहुत गहरे चली गईं. उन जड़ों को एक एक करके उखाड़ना है. बैटल, युद्ध, जंग अब शुरू हुई है. ३७० का एब्रोगेशन इज ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटेंट. सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर हुए हैं, संसद में घोषणा हुई है, जमीन पर काम अब शुरू हुआ है. ये लंबा चलेगा, इसमें मेहनत लगेगी, समय लगेगा, पैसे लगेंगे, जाने लगेंगी, लेकिन अगर इस देश को बचना है तो ये काम पूरा होना है. It is evident, Sushil ji, that the work has only started as far as correction of historical mistakes that were made with relation to Kashmir and Kashmir policy. Apart from 370, what else do you think needs to happen for us to reclaim Kashmir in its totality and bring it back to normalcy? I think a whole lot of mindsets need to change. We had always been extremely, should we say, accommodative of all the aberrations in Kashmir. कश्मीर में जिस जिस तरह की हिमाकतें हुई हमने उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की. आज भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों हम लोग कहते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है, देखिए देखिए अभी राज्य को हमने बदल के यूनियन टेरिटरी बनाया, ये परमानेंट नहीं है, हम इसको राज्य में बदल सकते हैं कभी भी. अरे साहब, अभी तो उन्होंने बोला भी नहीं कि इसको राज्य में बदलिए. आपको ये कहने की क्या जरूरत है? देखिए, जिस दुश्मन से आपका पाला पड़ा है वो भांपता है आपकी कमजोरी कहां है, आप किस जगह टेंटेटिव हैं, कहां आप रेजोल्यूट नहीं है, क्लियर हेडेड नहीं है. तो आप उनको तश्तरी में रख के ये मौका देते हैं कि हमको कहां दबाइए और हम कहां से कंसेशन देना शुरू करेंगे. ये वक्त कश्मीर में इस देश का संविधान लागू करने का है, और हमारे देश के संविधान में कोई खोट निकाल के दिखा दे, कोई मीन मेक निकाल के दिखा. एक खोट थी 370, वो हटा दी है. दुनिया का सबसे लिबरल संविधान है ये, और ये संविधान वहां अक्षरक्षा लागू होना चाहिए. हमें कश्मीर में सिर्फ इतना कहना है कि जो इस देश के साथ, इस संविधान के साथ, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के साथ वफादारी रखेगा, तमीज से पेश आएगा, उसको सर आंखों पर बैठाया जाएगा. लेकिन जो इसके साथ दगा करेगा, वहां की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, जो खुराफात करने की सोचेगा भी, उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे. ये साफ कर देना बड़ा जरूरी है. अभी तक हम लोगों को पकड़ते थे
तो उनकी अच्छी खासी खातिरदारी होती थी जेलों में और बिना शर्त छोड़ दिए जाते थे। आप हैरान होंगे, बुरहान वानी का एनकाउंटर जब किया गया तो जिस पुलिस फोर्स ने एनकाउंटर किया उसका हश्र देखिए। ये आंध्र प्रदेश काडर का आईपीएस ऑफिसर था अली जब्बार, एसएसपी था अनंतनाग का, उसको शंट करके सीधा रूरल ट्रैफिक में भेज दिया और उसके बाद स्टेट से बाहर शंट कर दिया। सेकंड इन कमांड आईजीपी था पुलिस में करुणा शंकर सहाय, अगेन एन आईपीएस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट, सेकंड इन कमांड आफ्टर द डीजीपी राजेंद्र, शंटेड आउट ऑफ द स्टेट। कोई अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं है अपनी लीडरशिप में, और बुरहान वानी के घर जाकर के कॉम्पेंसेशन देने की बात करते थे। अगले साल मतलब 2016 में एनकाउंटर हुआ, 2017 8 जुलाई को उन्होंने कहा कि हम एक वीक मनाएंगे हड़ताल का, क्योंकि 13 जुलाई 1981 में मकबूल बट को फांसी दी गई थी और 8 जुलाई को बुरहान वानी एनकाउंटर में मारा गया था। तो उन्होंने कहा था 8 जुलाई से 13 जुलाई वीक लॉन्ग मॉर्निंग एंड प्रोटेस्ट होगा। ये कैलेंडर हुर्रियत ने जारी किया, हुर्रियत ने उधर कैलेंडर जारी किया, इधर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमने सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर देने हैं, यानी आप तो हड़ताल बाद में करोगे, हमने सर्कुलर निकाल दिया कि हम आपकी हड़ताल के साथ हैं। उसने कहा यह क्या है, कहते हाँ हाँ सबको सेफ रहना है ना तो ये करना पड़ेगा। इस तरह स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग हुर्रियताइज लोगों को, मैंने कहा ना पॉलिटी में भी हुर्रियत का स्ट्रैंगल होल्ड था। कश्मीर में जो प्रॉब्लम रही वो तीन स्तरों पर रही, और मैं बार बार लोगों को ये समझाता हूं क्योंकि दो स्तर सबको समझ में आते हैं, तीसरा स्तर समझ में नहीं आता है। पहला स्तर है हमारे जिहाद का कश्मीर में, कि कुछ जिहादियों ने हाथ में हथियार लेकर के देश की सुरक्षा बलों को चुनौती दी है, तो हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल, हमारे आर्म्ड फोर्सेस उसको काउंटर करते हैं, हथियार के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा डायमेंशन इस जिहाद का है पॉलिटिकल डायमेंशन। ये जो हथियारबंद जिहादी हैं ये अंडरग्राउंड इंसर्जेंट्स हैं, तो इसका जो ओवरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम है वो है हुर्रियत, जो एक आइडियोलॉजिकल बेसिस तैयार करता है इस जिहाद की, कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है, कि हम ऑप्रेस्ड लोग हैं और ये जस्ट एंड फेयर युद्ध है, दीज आर बॉयज फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इसका भी सामना किया जा सकता है, हमारे कानून में प्रावधान है, अगर हम चाहें पब्लिक डिबेट्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में हम इस आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करते हैं। मैं बार बार पूछता था ये फ्रीडम आप चाहते हैं, मुझे बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फ्रीडम नहीं है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 100 से ज्यादा बार अमेंड किया है, वी विल अमेंड इट अगेन, वी कैन एड दोज फ्रीडम्स, वी कैन मेक दोज लॉज, यू टेल अस विच फ्रीडम इज मिसिंग फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसका जवाब नहीं है। आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा। तो आप निजामे मुस्तफा को फ्रीडम कह रहे हैं, यानी शरिया को फ्रीडम कह रहे हैं, विच इज एंड ऑफ ऑल फ्रीडम्स। शरिया इज द एंड ऑफ ऑल फ्रीडम्स। कश्मीर में एक सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है। ईरान में चार औरतें मर्द का भेष बना के एक फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने चली गई, क्योंकि वहां औरतों को फुटबॉल मैच देखने की फ्रीडम नहीं है, वो जेल में है आज चारों। दैट इज शरिया। भारत का एक कानून है जो हमारी बच्चियों को, बेटियों को 18 साल होने से पहले विवाह करने से रोकता है। कश्मीर में वो कानून लागू नहीं होने देते हैं, वहां 14 साल की बच्ची का विवाह हो सकता है। ये शरिया सिस्टम है। तो हमने कहा कि साहब अगर ये फ्रीडम आपको चाहिए तो ये
This is freedom to end all freedoms. You know, we cannot allow this freedom to end all freedoms. So, this can be argued at the level of argument politics, which is the second dimension. But the third dimension, which I said, the most lethal dimension, is when any country is faced with an armed struggle or a political challenge, the state has a mechanism to defend itself. State defends itself. Koi bhi rajya, koi bhi desh apni suraksha ke liye phir kadam uthata hai. Aur jab राष्ट्र सुरक्षा के लिए सजग हो जाए, कदम उठाए, तो ना तो उस आतंकवादी की खैर है, ना उसके सपोर्टर की खैर है. तो फिर ऐसे में उनकी खैर कैसे निश्चित की जाए? तो इन्हीं ग्रुप्स में से कुछ लोग कहते हैं कि साहब, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ उठाएंगे, हम इस देश के प्रति वफादार रहेंगे, हम आपकी डेमोक्रेसी में विश्वास व्यक्त करने के लिए चुनाव लड़ेंगे. हमको बड़ी खुशी मिलती है कि देखिए, कश्मीर में हमारी डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले, हमारे संविधान की शपथ लेकर के तिरंगे के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं. वो किस लिए बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि सरकार को भीतर से, व्यवस्था को भीतर से कमजोर किया जाए, जिससे कि वो अपनी रक्षा ना कर सके उन आतंकवादियों के द्वारा और हुर्रियत के से. ये तीसरा डायमेंशन मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये है. ये हमको धोखे में रखते हैं और ऐसी ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे कि राज्य की अब स्वयं की रक्षा करने की जो क्षमता है वो घटे. एक कानून है, हर राज्य सरकार में होता है, मैं थोड़ा लंबा जवाब दे रहा हूं. उसमें राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अगर कार्यकाल में ही, सेवानिवृत्त होने से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तो राज्य की सरकार उसके घर मुआवजा देती है और उसके परिवार में जो सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति है उसको कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नौकरी देती है ताकि परिवार चल सके. ऐसा हर राज्य अपनी व्यवस्था में कानून बनाता है. कश्मीर में इसको SRO 43 कहते हैं, जिसके तहत राज्य के कर्मचारी यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हों तो उनके परिवार को इस तरह की मदद की जा सके. मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया. उन्होंने कहा, देखिए साहब, मेरी पॉलिसी हीलिंग टच की पॉलिसी है. मैं चाहता हूं लोगों के घावों पे मलहम लगे, बहुत अच्छी पॉलिसी है जी. इससे हम उनके दिल जीतेंगे, बहुत अच्छी पॉलिसी है जी. कहिए कैसे करेंगे? कि देखिए, ये जो आतंकवादी एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं, ये बेचारे भी अपने अपने घरों के जवान आदमी हैं. अच्छा हैं? अब ये अपने घरों में जवान लोग हैं, घर इनके घर वालों का क्या कसूर के ये आतंकवादी थे, है ना? घर को तो दोष नहीं दे सकते अगर वो आतंकवादी बनता है. अच्छा, तो फिर तो अगर हम इनको एनकाउंटर में मारते हैं तो इनके परिवार वालों को भी हम वैसी ही सहायता दें जैसी हम अपने कर्मचारियों के परिवार वालों को देते हैं. ये हीलिंग टच पॉलिसी है. इस पर सरकार ने सर्कुलर जारी किया. तो ये ऐसा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती को लगा कि बुरहान वानी की शक्ल अच्छी थी तो उसके परिवार में जाके उसने सहायता दी. उन्होंने नीति बनाई, आपके और मेरे कर के पैसे से. मैं बार बार ये जब कहता हूं आपका और मेरे कर का पैसा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये देश, कश्मीर की पॉपुलेशन भारत की जनसंख्या का 1% है और कश्मीर पर केंद्र सरकार का खर्च समूचे भारत के खर्च का 10% है. तो वो 10% ये जाता था वहां, और SRO 43 के चलते वहां के आतंकवादियों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाती थी. वहां के आतंकवादी सेना के लिए जवान पैदा करेंगे या आतंकवादी पैदा करेंगे? ऐसी मूर्खताएं पाले बैठे थे हम लोग, ये होने देते थे? और 370 के तहत ऐसे करने की स्वायत्तता हमने सरकारों को दी.
वो चोरी छुपे नहीं करते थे, नीति बना के करते थे भाई, लिख करके देते थे। 35A के प्रावधानों के तहत आप हैरान होंगे क्या किया उन्होंने 1976 में, एंड दोज हु आर लॉयर्स विल अप्रिशिएट दिस सर, इन 1976 मिसेस गांधी ब्रॉट इन 42nd अमेंडमेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शी वांटेड टू लेजिटिमाइज इमरजेंसी, वो अपने आपातकाल का औचित्य जतलाना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि आपातकाल इमरजेंसी हमने इसलिए लगाई है क्योंकि फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस देश में बढ़ रही हैं और देश को तोड़ने वाले लोग वो हावी हो रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों को कहा है कि आप आज्ञा ना माने सरकार की, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने पुलिस से कहा था कि आप निहत्थी जनता पर अवैध इस तरह के आदेश गोली चलाने के न माने, तो इसका बहाना लेकर इमरजेंसी लगाई गई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए प्रीएम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। तो हमने अपने संविधान के शुरू में कहा था, वी द पीपल गिव आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसे शुरू होता है। तो वहां जोड़ा गया सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ा गया। और फिर नीचे कुछ एक्सप्लेनेशंस थी जिसमें स्टेट हैड गिवन इटसेल्फ सर्टेन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द नेशन, कि राज्य की, राज्य सरकार की, राज्य की व्यवस्था की देश के प्रति कुछ निष्ठाएं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। उनमें से एक थी, द स्टेट शैल अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये सब नाटक इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की अनुपस्थिति में एक 42nd अमेंडमेंट लाया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ऐसा नहीं था कि अब तक ये देश सेक्युलर नहीं था, लेकिन अब एक्सप्लिसिटली सेक्युलर हो गया, लिख करके सेक्युलर हो गया। तो कश्मीर की व्यवस्था ने लिख करके इस देश को बोला कि द वर्ड सेक्युलर इज एन एक्सेप्शन विद विच दिस प्रीएम्बल विल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लिख करके कहा कि हम सेक्युलर नहीं है, लिख करके कहा द वर्ड इंटेग्रिटी शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। लिख करके इस देश को बोला, कोई चोरी छुपे नहीं किया। इसलिए मैं हैरान हूं कि इसका दोष किसको और कैसे दे सकता हूं। हम स्वयं दोषी हैं, और जिन्होंने ये बात देश से छुपाई उन्होंने गलतियां नहीं की, उन्होंने अपराध किए हैं। तो इसलिए जब इस तरह की स्वायत्तता के प्रावधान हमारे संविधान से जाते हैं, व्हेन वी एब्रोगेट सच यू नो कंप्लीट एंड बाउंडलेस ऑटोनॉमी, आई डोंट कॉल दिस ऑटोनॉमी, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज कंप्लीट परवर्जन ऑफ ऑटोनॉमी, बिकॉज व्हाट दे हैव यूज्ड दिस ऑटोनॉमी फॉर इज परवर्टिंग द एंटायर सिस्टम। And therefore, abrogation of these provisions from our constitution are worth celebrating. Thank you, Sushil ji. So, when do you see the Kashmiri Hindus and Pandits return back to Kashmir? Is that a situation that is ready yet? I also have a question, a very interesting question from somebody who's asking you, Dr. Vivek Modi. He wants to know, when would you remove in exile in my own country line from your Twitter profile? So my question is linked to that. When do you think you're going to go back to Kashmir? When will the Kashmiri Hindus and Pandits get back their land? And when will you remove in exile in my own country from your Twitter profile? I don't know. I don't think we are out of Kashmir. Kashmir is within. This morning, my younger brother, Rahul Razdan, read out a poem to me at breakfast table. He recalled every bit of Kashmir that we miss. So, Kashmir is there.
एंड वी ओ इट टू आवर चिल्ड्रन. लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जैसा कि मैंने कहा काम शुरू हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है और पिछले 12 दिन में एक गोली नहीं चली है, एक एनकाउंटर नहीं हुआ है. और जो प्रेजेंस है, जो बंदोबस्त है, अगर इसका एक चौथाई भी होता 1990 में तो हम अपने घरों में होते आज. यानी इस देश में वो ताकत है, वो क्षमता है, और अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो तो मजाल है कि ऐसा कोई हादसा दोबारा कहीं हो जाए. लेकिन इसमें समय लगेगा. मैंने कहा ना कि हमने कश्मीर में नस नस में अपने दुश्मन को घर करने का मौका दिया है. एक तरह से लैंड माइंस जैसे बिछ गई हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, पॉलिटिकल, सोशल. वी नीड टू डी माइन दिस टेरेन स्टेप बाय पेनफुल शॉर्ट स्टेप. वी नीड टू रोल बैक आवर जेनोसाइड. वी नीड टू पनिश दोज who committed this genocide. We need to bring justice to the victims and survivors. We need to cleanse the system of all those malcontents, all those pernicious elements who have brought this upon us. And that will take some very painstaking effort, long-drawn, patient effort. It will take time, it will take resources, it will take lives. And since this nation, this wonderful country of ours, have crossed the hump, have cleared all the mental cobwebs, have decided to bite the bullet, now is the time to go ahead and accomplish the task, no matter how much it takes, how long it takes. And when it happens, let me assure you, we were not waiting for anybody's instructions when we left Kashmir. The conditions were bad enough. It was difficult to sustain, it was difficult to protect our sisters, our mothers, our daughters, our old parents, our young children. We had to take that painful decision to come out. We will not wait for anybody's invitation to go back. Sorry, I'm interrupting you. I know it is taking you back to a painful past, but then there are a few questions, quite a few of them, where people would want to know what happened in 1990. Briefly, you know, there was a report in March issue of India Today. India Today, those days, used to be a fortnightly, so I think it was the first issue of March 1990. Where Indrajit Bhadwar wrote a report on Kashmir, and through him we know that between July and October, more than 80 dreaded terrorists were let off by Farooq Abdullah. These were those who were crossing the border, who had gone over to take training and to get arms and were coming back to Kashmir. Now, army can, or BSF that mans the border, can catch hold of them. If they are engaged in encounter, probably kill them. But if they catch hold of them alive, they don't have a power to arrest. They hand them over to the closest police station. So they were handed over to the police. And 70, 80 such armed, trained, venomous terrorists were let off as some kind of a concession by Farooq Abdullah. First killing of a prominent Kashmiri Pandit happened on 14th of September, Shriman Tikalal Taplu, and we observe 14th of September every year as Balidan Divas.
by 29th of December, a judge, Neelkant Ganju, High Court judge, justice, was gunned down in broad daylight in a marketplace. And people around were told not to give him water, not to cover his face. Let him lie like a dead dog in the street. Because they wanted to terrorize. They went after our, should I call them, icons of the community, who would inspire community, who would be our pride, who were at the pinnacle of their success, who were the brightest and the best amongst them, amongst us. They were targeted and killed brutally. A series of such murders took place. As if to tell us that we are not safe, what are you doing here? When that wasn't enough, on 4th of January, in a newspaper called Al-Safa, a Hizbul Mujahideen press release was carried very prominently. The editor of that paper was Shaban Wakil, but the man who actually funded it was a former water resources minister, Saifuddin Soz of Congress. He got this published in his newspaper. It very clearly said that you kafirs, Hindus, you leave Kashmir or else. Can you imagine a newspaper carrying this open threat to an entire community? The same was repeated on 6th of January, 2 days later, in Aftab. First Al-Safa and then Aftab. As if that wasn't enough, then notices were pasted on doors of some prominent people that unless you leave, you're going to be targeted. Then in the second week, from mosques all over Kashmir, as if in a coordinated manner, speeches, slogans, songs began to be played. Now, January is a very cold month. It snows in Kashmir. And when late at night, around midnight, you have loudspeakers blaring, you know, even in summers, you take quilts in Kashmir. And I'm talking about January, winters. In the dead of the night, such piercing sounds, violent, aggressive, screaming sounds, asking kafirs to leave Kashmir and leave their women behind, is what began to happen. I was for a Doordarshan news program only last week. Then a lady came running down. She was an engineer working in Doordarshan. And she said, my husband told me, why haven't you met him? He comes to Doordarshan so often. At least meet him. She was a Kashmiri lady. So he says, my husband is very fond of you. And since he cannot meet you, he's asked me to at least come and, you know, say namaskar to you. I said, please. You tell me, where were you in 1990? And she said, we four women were in our house, which was by the river, on the fourth floor. And there was a huge crowd that gathered right on the road at our door, and they started banging at the door. She said, there were only two men at home, and my mother, younger sister, a cousin, and then two of them, the brother, elder brother and a younger brother. Both brothers said, we'll go down, we'll try and hold them back, but if they manage to break the door, four of you will jump from the window into the river. Now she says, the youngest of our sisters got scared. She said, I don't know how to swim. I don't want to jump. I don't know. I can't jump. And she started to cry.
says, my brother looked at me, looked at our mother and said, what's wrong with her? What are you doing? He says, mother persuaded me, said, you go down. I will first push her and then I will jump. Don't worry. He says, that was the kind of night we spent hoping and praying that something else happens. And there are such stories across families. Some said that we had kerosene arranged. We had, you know, there's this dry grass you use for lighting fire and a matchstick that should push come to shove, we will all self-immolate. So people have been through such trauma. You talk to a family and they have all kinds of things. Some don't even want to talk about it, don't recall it. When we wanted to pursue a case in the court, Bitta Karate said Satish Tikku was my first victim, he was my friend. We hunted for the family of Satish Tikku. We said, we are now going to take up this case. Said, sorry, don't drag us into it. Too tough for a lot of them to revisit that trauma. Then when series of such things began to happen, people started to leave. Their phones to Home Ministry, to police headquarters, to cantonments, didn't yield much help. Was it K.V. Krishna Rao or? Was the governor. What was his response? See, governors, when there is a functioning government, have a limited role. I must inform you that Home Minister of India at that time was Mufti Muhammad Saeed. And Chief Minister of Kashmir was Farooq Abdullah. Between the two of them, nothing happened. Army cannot deploy itself unless it is requisitioned. Sorry, Prime Minister. Okay, till 2nd of December, Prime Minister was Rajiv Gandhi. I'm talking about 14th of September, murder of Tikkalal Taplu. Till 2nd of December, it was Rajiv Gandhi. After 2nd of December, it was V.P. Singh. And those who say governor arranged for our evacuation from Kashmir as if he had lined up aircrafts and luxury buses, he took over in Jammu on 18th of January, which was a Thursday. 19th is what we observe as the mass exodus day from Kashmir. Since it was January, the state capital was Jammu. He took over in Jammu. Means of communication weren't very good. As it is, he had come in very late. He was deployed actually to stop us from migrating, but migration had begun. Earlier in trickles, then in droves. 19th of January, it was as if the floodgates got open. The dam gave way. So there was no way anybody could have stopped it. People used whatever means they could. They sat in trucks, they took tempos, they took taxis, they packed into cars, whatever. And they fled. It was bizarre. You know, our community has seen 6 exoduses before this, during the Islamic period. I'm sure this was the most painful one. Why? I can only guess. Those 6 exoduses happened where we were under Islamic rule. There was no constitution, there were no courts. That was medieval times. We could only blame our misfortune. We had no arms, we were not organized, we had no army to defend us. But in January 1990, we were a country of 90 crores, 900 million people. We were a nuclear power nation. We had a 1.5 million strong army. We had 3 tiers of court system. We had a constitution. We had a parliament of 800 MPs. We had an elected prime minister. For God's sake,
we had a vibrant press. As a nation, we were signatories to the Declaration of Human Rights by United Nations. We lived in modern times. These are not medieval period. Most of my community members thought that so long as there is a tricolor fluttering over the secretariat and we have an army sitting in Badami Bagh cantonment, nobody can dare touch us. We lived in this illusion. So when trouble came, none of this worked. You're asking what happened in January 1990. This is what happened. It's painful, but I think it's important to know. Sorry, we had to take you through all of that. Just to bring in a change in the mood, a very nice question for you. Are you prepared to be the next Chief Minister of the Union Territory of J.M. Kashmir? Let me complete the question. Are you prepared to be the new Chief Minister of new Union Territory of Jammu Kashmir and set new normal which can be emulated by other states of India? No, I think we shouldn't trivialize this issue. It's a serious issue. There's a lot of work to be done. I think we as an entire nation need to put our voices, put our heads together and stand behind a resolute government that means business. Because you must have noticed what kind of international ganging up is happening, what kind of pressures are forthcoming. I wouldn't be surprised if Pakistan, as a state which has failed to get the world involved in it, might get into some kind of a misadventure, start a war so that the world is forced to get involved. You know, you cannot put anything past them. They are completely rattled, not just by 370, they are rattled by the fact that there is a government here which is decisive, which walks the talk. They had never experienced a government like this. Can you imagine? This government said, no terror, no talks, and has adhered to this doctrine resolutely. They were used to namby-pamby governments which would do all kinds of things and more. There are some silly things that this government also did initially, but for the last several years there is a sense of consistency. By the silly things, are you referring to the alliance by any chance? I'm on record having said a lot of things about this government. I feel after 5th of August, I am willing to forgive and forget everything. They've done something so remarkable, so exemplary, so humongous that now we just need to look forward. There were mistakes by everyone right through 70 years. But now, you know, the die is cast. I feel, I hope I'm not wrong. Now the historical forces will take over. No matter how reluctant you are, you will have to walk this route to its logical culmination. You've set things in motion. You cannot retrace your steps back. It's one-way street. You need to go ahead and accomplish things. And that momentum, that process has begun. Nobody, no power in this world can except God Almighty. It is His will. It'll have to be done. It'll happen. Before I let the session open to the audience for questions, just one or two questions more. Why do you think two union territories were created? Why couldn't they have just done one? See, union territories
Ladakh needed a separate system. This was their demand for a long time. And Ladakh is an extremely crucial geography for us. Our armed forces, our defense analysts keep talking about a two-front war. The only geography where these two fronts converge is Ladakh. There's China, there's Pakistan, there's AGPL, which is Siachen, the highest battlefield. And it needs to be looked after, it needs to be managed with a completely different set of imperatives. So, eliminating Ladakh from this mess called the state of Jammu and Kashmir was priority number one. Priority number two is Jammu and Kashmir as a separate, because, you know, those who know Jammu and Kashmir, they find these are very disparate regions. Ladakh is a different climate, different terrain, different ethnicity, different language, different lifestyle. Everything about it is different. Nothing like, there's no similarity between Kashmir Valley and Ladakh or Jammu and Ladakh. Jammu and Ladakh may still have some affinity. Jammu and Kashmir may still have, you know, some antiquity. Ladakh is far flung. Even now, as I talk to you, for 6 months, Ladakh is cut off from rest of India because of Zojila Pass. Now the tunnel is under construction, it will reconnect. But Ladakh is one region which is completely different. Second territory of state of Jammu and Union Territory of Jammu and Kashmir is viable, has 20 districts, and they counterbalance each other. And let's see how it works. It's an administrative decision, but making them union territories was crucial, because by making them a union territory, central government has assumed the responsibility of security of this region. Everything. Internal security, external security is directly under our Home Minister Amit Shah. You know, CBI had no access to Jammu and Kashmir. They won't extend. You know, when NIA conducted raids, because there was a sting operation where Hurriyat people were seen confessing on tape that they received money, NIA went there to investigate, and then they wanted to take some of them for interrogation to Delhi. While NIA team took them to airport, the state police stopped them. They missed several flights. For hours, there was a showdown on Srinagar airport. NIA was told, you have no rights to take prisoners from here. And then central intervened. This was Mehbooba Mufti as chief minister with BJP as their coalition partner. Such were the impediments in the system we had under 370 in the state of Jammu and Kashmir. Now, as a union territory, security is the responsibility of the center, and so is land. Seems like there's hope, Sushilji. What about states, though, states like Nagaland, etc., which are currently having special status, very much like Kashmir? What do you think? How are they headed? I think this was again a huge misinformation. Article 370 and Article 371 are completely different. There's a huge difference. The only similarity they have, both are under Chapter 21 of our Constitution. Chapter 21 of our Constitution has the heading Special, Temporary, Transient and Special Provisions. Now, not all provisions are all three. So, Article 370 was temporary and transient. 71 is special provision. Article 370 was temporary, 371 is special, not temporary. Number two, our parliament's rights to legislate were not circumcised under 371. Our constitution's reach
to those states was not circumcised or blocked. Whereas 370 explicitly did so. The only state in our union with a different constitution was the state of Jammu and Kashmir. No other state has a separate constitution. So those who said there is 371 also were deliberately obfuscating, misguiding, lying. Another issue, because popular notion was 370 is about not being able to buy land in Kashmir. They said you can't buy land in Himachal Pradesh. Sorry, you could buy land in Himachal Pradesh. There were only restrictions put on buying rural land in Himachal Pradesh. Only restrictions, if you could go to the DM and state the purpose, express, establish your bona fides, you could buy the land there. It was a discretionary provision so that there is no rampant sale and purchase and people are not destabilized. Incidentally, Sriman Atal Bihari Vajpayee had a house in Manali. Priyanka Gandhi has built a mansion for herself in Shimla. None of those two were Himachalis. So these examples prove that it wasn't impossible, whereas it was impossible to buy land in the state of Jammu and Kashmir for a non-state subject. Right. Yes, I can see the questions. We've received several questions. There's lots that's covered on 370, its origin and where it stands today, what it means for the Kashmiri community and the land there. I would request that if you have questions that are unanswered from the talk till now, you may please raise those. We have to send Sushilji back to Delhi. He should be leaving here anytime around 6 o'clock. So let's be kind and also careful not to waste time. Please stay only with the question. All of your opinions are extremely valuable, but sadly we don't have the time for those at this time. So just stay with your question. Temporary and transient, that how come the lawyer fight, you know, challenging this constitution, this number 1. Number 2, you are spending so much money on Kashmiri. I had a rough estimate, you say about 10 times. An average, while we are, government of India spends about 9,000 on Indians, we are spending 25,000. But in return, what is that we are getting? Hatred instead of love. And none of the politicians, in fact, it's an eye-opener, you know, listening to you. That, you know, the kind, you know, the way the state governments was allowed to work and function, only a couple of families, you know, enjoyed at the best, and none of the political leaders. In fact, it pained me the other day on a Pakistani television, one of the panelists says that, last point, panelist says that it is a Congress, it is a leftist, it is a liberals which are supporting us. Only questions, sir, no statements. I think we should restrict to questions, otherwise we can be emotional. I am emotional. I also left in 91 and I am here. Telugu Desam lo ippudu 20 samvatsaram gadichipoyindi. So let us only ask questions. Mee andariki namaskaralu. Okay, I wanted to ask that, you know, when Amit Shah spoke in parliament, he said we are only removing 2 and 3 clause of Article 370, and 370 is not being removed. And when we say abrogation of Article 370, it's not been abrogated. Clause 1 is still there. So what is this Clause 1 and why it has been retained? And only Clause 2 and 3 were removed. So what is the difference between Clause 1, Clause 2 and Clause 3? Hello. Can you hear me? So
a measure of procedure. Within Article 370, are the provisions mentioned as to how you can remove it? All right? So, within Article 370, there are elaborate provisions to tell you as to how you can remove them. And there was a bit of a, there were opinions as to whether you can do this or do that. So, removal of Article 370 had certain complexities in it. However, Article 370 also provided for a mechanism to extend laws or provisions for the state through the presidential proclamation. Now, the masterstroke that Amit Shah and his team played on August 5 was they used those mechanisms through which you were creating mutations within Article 370. From time to time, you were extending various laws to the state of Jammu and Kashmir. So they used those provisions to eliminate every provision within Article 370 through which all these things were happening. Now, but they didn't want to abrogate 370 altogether because abrogation could run into complexities. So what they retained was part 1, Khand Ek. What does Khand Ek say? Part 1 says, state of Jammu and Kashmir is an integral part of India. So Article 370 remains in our constitution to say just this. Everything else, through, you must have heard in your mythology, the story of Bhasmasura. So Bhasmasura could use his own hand to kill himself. So this Bhasmasura of Article 370 did that. It used the provisions within Article 370 to literally neuter it. So there is nothing else left in it. But as Article 370, it stays in our constitution to keep reminding us that Jammu and Kashmir is an integral part of India. Sir. Yeah, 2 and 3 gave the mechanism through which you could do presidential proclamations from time to time to create laws and extend laws to the state of Jammu and Kashmir and make changes. For example, there was this change when Jammu and Kashmir came into being and their constitution was not yet in place. There was an institution of Maharaja and the institution of Prime Minister. They changed it to Sadr-e-Riyasat and Wazir-e-Azam. That happened in 1952. And at that point, as Amit Shah told the Parliament. Namaskar and thank you so much, everybody who's here. I think the fact that the hall is brimming to the boundaries is Sushilji a sign of your popularity and how much Hyderabad is waiting to hear you. People ask me why do I do these things. I must tell you this, that the last time when I met with Sushilji, he had just finished a talk and Dr. Mohan Gupta here, who's with us today, had hosted him. And when Sushilji was talking about Kashmir, it was a very small group discussion in the evening over dinner that we were having. And while he was speaking about Kashmir, I actually saw tears drop from his eyes. And that pain
of a Kashmiri, the pain that probably is in his soul was so evident from those tears. Imagine for a woman like me seeing a man cry in front of you. I was at that time so touched and so convinced that this is a cause that should be talked about. All of us, especially down south, I'm sure you'll all agree with me in this room, that there is a lot that we don't know about Kashmir. And the reason is because we have been, you know, cocooned in our own life here, maybe not up there where the country was fighting for survival. We had our own challenges down south, but the fact does remain that Kashmir has been an enigma for all of us, except for being a tourist space, a place where you would go for a vacation, it didn't mean more to us. I would like the next 2 hours to be an awakening towards Kashmir for all of us in this room, awakening towards the Kashmir cause, awakening towards the pain that Kashmir carried for so many years, and awakening towards the marvelous things that are happening to that land, the land of God. Thank you so much, Sushil ji, for accepting to come. Thanks for having me here. It's a privilege to be here and the opportunity to be able to connect with the eminent and patriotic citizens of Hyderabad. I am so grateful for this opportunity. Thank you so much. The format today is going to be a discussion format. No, you're not going to hear from me, don't worry. It's him, he's the man of the moment. But yes, there are certain questions that not just me, I think all of us have about Kashmir. I'm just going to be prompting Sushil ji with some questions and we will wait to hear from Sushil ji on those. My first question to you, Sushil ji. Swami Vivekananda ji had said that a man who cannot be loyal to his country cannot be loyal to any other relationship. Who, according to you, was disloyal to Kashmir, the land of Kashmir, and the Kashmiri people? Tell us a little about the past that you carried the pain for, and then from there on, we will continue to bring it to the current context and also what you see as the future for Kashmir. Over to you. Thank you. Monica ji, it's a long one as to what happened to Kashmir in the past and who was disloyal to Kashmir. You know, Kashmir defeated Mahmud Ghazni twice. The same Mahmud Ghazni who did not find much resistance, as our history tells us, when he roamed our land up and down, went several times to Somnath. He could not enter Kashmir. He tried twice. Islam did not come to Kashmir riding on a horse carrying a sword. No. The first Muslim Sultan of Kashmir, called Shah Mir, who ascended the throne in 1339, had come in 1315 to Kashmir as a refugee. Refugees, I'm sure you understand. A lot of Rohingyas have been settled in Hyderabad, I'm told, in this city, as they have been settled in the state, erstwhile state of Jammu and Kashmir. I'm so happy to say so. In thousands. So trouble comes in all the garbs. He came as a refugee, he was given refuge. He had come from neighboring Swat Valley. Swat, I'm sure most of you understood, where Malala Yousafzai came from, who was shot in the head for daring to pursue her studies in a school. From that Swat, he came because he was fleeing for his life. He had tried to stage a coup. He was an ambitious young man, maybe in his early 20s. And the king of Kashmir, Sahadev, gave him refuge, thinking that Islam has come so close and he's from the noble family,
he'll be grateful for this refuge and he will also help us prepare better for the enemy who is knocking at the door. Little did he know that this refugee, far from being grateful, would turn out to be so crafty that he would manipulate the nobility, cause intrigues, and then maneuver his way to the throne. Kashmir was besieged by a Tatar invader who managed to come in and followed a scorched earth policy, destroyed all farms, reduced Kashmir to famine, and then when he left with hordes of men as slaves, but couldn't cross the valley. He perished along with his slaves under an avalanche. But while all this instability was there and king was moved to some kind of safe zone, he first murdered the prime minister, who was Ramchandra, at the pretext of going to see him, and then ascended the throne, forced his daughter into marriage, Kota Rani. Eventually, Kota Rani also was murdered, and he, through consensus, you know, political rivalries, and we must draw these lessons, political rivals do not let each other take the high place and then choose the so-called weakest amongst them, who is convenient to all and least threatening because he's an outsider and doesn't have roots in the place. Through this kind of palace intrigue, he ascended the throne, and he ascended the throne with a Raj Tilak, with a Mantrochar, with all the Hindu rituals that were prevalent in that time. His next six successors would take Raj Tilak, would ascend the throne in those very Sanatani rituals, and Sanskrit remained the court language for next more than 100 years. From 1339, we have evidence, till beyond 1450, Sanskrit was the court language. But as they knew that they were outsiders and they didn't have enough depth, enough root in the kingdom, they started importing missionaries in order to convert. And when conversion didn't come easy, they became brutal. The fourth successor to Shah Mir was Sikandar Butshikan, who earned the sobriquet of an iconoclast because he started to destroy temples. By 1372, one of the missionaries, Shah Hamdan, came and he saw these sultans, you know, wearing a tilak, wearing a Hindu safa, and conducting the affairs in Sanskrit. He scoffed at them and he laid down conditions as to how Hindu subjects, non-Muslim subjects of the state of Jammu and Kashmir should be dealt with. Among the several conditions, and some of them are funny, for example, one condition is that a Hindu could not wear a ring with a diamond studded in it. You know, the idea was you could not flaunt your wealth, even if you were wealthy. By law, you were prohibited. You could not wear embroidered clothes. You had to wear plain clothes. You could not pass yourself off as a Muslim if you were not a Muslim, because Muslims had all these privileges. You could not wear, you could not ride a harnessed horse. First, you could not ride a horse. And if for some reason you had to be given permission, then it wouldn't be a harnessed horse. You couldn't move about from your house bearing arms, which tells me that my ancestors bore arms. That was the tradition. You wouldn't be allowed to persuade even your closest kin and kith if that person
wish to convert to Islam, even if it was your daughter, your brother, your son, you could not even as much as persuade, because that would be considered creating obstacles to somebody's conversion. You could not mourn your dead by crying over him, the body. About 24 of such conditions, it literally disarmed us, it humiliated us. The more stringent ones were, you could not build temples. You could not repair old temples. So in our own land, in our own place where we lived for generations and practiced our faith, such were the restrictions placed. Some of the converted amongst us did help them, but I think it was our foolishness. We marvel at our inclusivity, quote unquote. We marvel at, you know, we have great deal, we prance about saying we are liberal. We have a concept. I think it's, to flaunt such a concept is wonderful, but if you are unmindful of the world in which you live, it sometimes is foolish. When your Catholicity, when your openness, when your liberalism is up against the most illiberal, unfree, intolerant mindset, your liberalism is poison for you. You can't practice it with illiberals. You can't practice your tolerance with intolerant. You have to be intolerant of intolerance if you want to preserve tolerance. So in Sanskrit, they say Shatrubodh. We didn't know how to identify the enemies from among the people who pretended to be friends. We did not have Sankatbodh. We didn't know how to see trouble when it hadn't hit us. So we were swamped. 480 years of incessant Islamic rule from 1339 to 1819 reduced us from near 100% demography to barely double digits in 1819 when we were delivered from our genocide by Maharaja Ranjit Singh. Mughals came, Pathans came, Chaks came, these sultans of Shamsuddin dynasty. They plundered us, they mercilessly converted us, they drove us out. I don't know who else to blame but our own foolishness and our inability to learn from those experiences. Thank you, Monica ji. So, Shilji, I hear you talk about enemies and Shatrubodh. Who were the enemies, internal or external? I think both. We suffered from lack of unity. Even today, we suffer from lack of unity, a lack of unified purpose. You know, very often they say we are not organized and united. Being united. मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, धन्यवाद. मैं बीच-बीच में हिंदी में भी बोलूँगा.
Right, we'll do both. Thank you. We'll do both. I'll mix. धन्यवाद. तो हम लोग संगठित नहीं हैं. संगठित तब होते हैं जब कहते हैं संगठन तब होता है जब सामने कोई चुनौती हो. जब शत्रुबोध नहीं हो तो फिर संगठन की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है. इफ वी हैव टू यूनाइट वेरी ऑफन वी हैव टू यूनाइट अगेंस्ट अ पोटेंट फोर्स दैट सीक्स टू चैलेंज अस. इफ वी डोंट सी चैलेंज इन लाइफ वी प्राइड आवरसेल्व्स इन बीइंग अजात शत्रु. You know, we have no enemy. And we see divine in everything. That's philosophically how we are groomed and how we are raised. We see manifestation of divine in everyone. Unlike the philosophies who very clearly define the enemy. And not just define the enemy, but also tell you what to do with it. So philosophically, we are groomed and oriented in a manner to actually not see enmity in anyone. Now these are two diametrically opposite worldviews. Coming from a worldview where no enemy exists, and it encounters a worldview where anyone except yourself, your kind, is an enemy. Is a disastrous situation. It is loaded against the one who refuses to see the enemy. And refusal to see the enemy is what even today we refuse to see the enemy. Even today we are hesitant about pointing out as to what ails us. And that is one of the reasons why we suffer. I was earlier in the day at the university. A question emerged about demography, the balance of population. I had an opportunity to point out that in our perception of our security, in our analysis of various kinds of threats to our security, challenges to our security, we look at technology, we look at military hardware, we look at kind of borders we have, we look at the capability of our enemies, we look at all kinds of things, including different seasons and the best season to wage war. We look at terrain. We look at size of our army, we look at all kinds of things, we look at even our, you know, ordnance inventory, war waste reserve, as some of you veteran soldiers would know. But we don't look at demography. Hum apni janasankhya ke anupat ko अपनी सुरक्षा के एक आयाम के रूप में, एक डायमेंशन के रूप में देखते ही नहीं है. मैं कितने ही थिंक टैंक्स में डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड वर्कशॉप्स में जाकर बैठकर सुनकर बोलकर आया हूं, मैंने किसी डिफेंस एक्सपर्ट को, किसी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट को, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में, किसी बहस में, किसी चर्चा में किसी को ये कहते नहीं सुना है कि इस देश में जनसंख्या का अनुपात कहां पर कितना है, कैसा है. ये भी हमारी सुरक्षा का, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का एक आयाम है. हमने इसको अपने सेक्युलरिज्म का एक लिटमस टेस्ट बना लिया है कि हम कभी भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की चर्चा नहीं करेंगे, कोई हमें कम्युनल ना कह दे. जबकि ये सबको मालूम है कि हमारा बंटवारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल की वजह से हुआ, जनसंख्या के अनुपात की वजह से हुआ. जबकि हम जानते हैं हम कश्मीर से निकाले गए क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एडवर्स हो गया था, इतनी बुरी तरह एडवर्स हो गया था कि सस्टेन करना मुश्किल था. हम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे, उतना भी क्रिटिकल मास नहीं बचा था कि हम एक संघर्ष की स्थिति में आकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर सकते.
और हमारी डेमोग्राफी इस वक्त कम से कम 500 जगह इस देश में ऐसी है कि कोलैप्स कर रही है, सस्टेनेबल नहीं है, कोई चर्चा करके राजी नहीं है पूरे देश में, तो इसके लिए मैं किसी और को दोष कैसे दे सकता हूं? वी कैनॉट ब्लेम एनी वन एल्स, वी हैव टू बी ब्रूटली फ्रैंक अबाउट इट। इज़राइल ने पिछले साल नेसेट में एक लॉ पास किया, उन्होंने उस लॉ में यह कहा कि ऐसे कुछ प्रश्न जिन पर इज़राइल की सिक्योरिटी और कंटिन्यूटी डिपेंड करती हो, क्योंकि ये एक जूश स्टेट है, उसमें केवल जूश लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। वो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन उन्होंने ये माना कि स्टेक्स सबसे ज्यादा जूस के हैं, क्योंकि ये एक जूश स्टेट है और उनकी उस राज्य को, रियासत को, उस स्टेट को सबसे बड़ा खतरा अपने आसपास देखते हैं, तो लगता है कि जूश हेट्रेड से है। एक जूश पॉलिटिकल काउंसलर उनकी एम्बेसी में थे दिल्ली में, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपकी पॉपुलेशन का 20% अरब मुस्लिम्स हैं। मैं कहा है, मैंने कहा हमारे यहां तो 15-16% है, लेकिन हमारी तो पूरी की पूरी पॉलिटी शीर्षासन करती है उनके वोट के लिए, तो आपके यहां इलेक्शन कैसे लड़ते हैं लोग, उनका वोट इंपॉर्टेंट नहीं है? तो कहते हैं हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के 80% वोट ने ये सबको समझा दिया है ठीक से कि अगर इस 20% वोट के लिए आप नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो 20% भले ही मिल जाए, 80% में से एक भी नहीं मिलेगा। हमारी पॉलिटी में, हमारी डेमोक्रेसी में ये विकृति आ गई, ये एक बहुत बड़ा परवर्जन आ गया कि वो जो 15-16% वोट है, वो वोट ही रहता तो ठीक था, वो वीटो हो गया। वो 15-16% बाकी सब वोटिंग यूनिवर्स के ऊपर एक वीटो की तरह काम करने लगा। इस परवर्जन को पिछले दो आम चुनावों में हमने ठीक होते देखा है। ये वीटो तो वीटो, इस वोट के बिना सरकार बन सकती है, ये प्रूव होते देखा है। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है, एक अच्छा परिवर्तन है, और ईश्वर करे कि इस दिशा में हम लोग और आगे बढ़ें। थैंक यू। थैंक यू सुशील जी। हाय, दिस इज आनंद देवरकोंडा, प्लीज सब्सक्राइब टू मिरर टीवी। ए हाय, नेम इज मिकायु माटर्ना, प्लीज सब्सक्राइब मिरर चैनल। Hi guys, I am Naveen Poli Shetty and please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV.